बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13। लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग ट्रांसलेशन। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वालो, खुशबा शहजादे ने अबाबील को बताया अबाउट द नोबल, नोबल मीन शरीफ, अबाउट द नोबल राइटर, शरीफ मुसन्निफ के बारे में, हु वॉज वीक, जो कमज़ोर, एंड हंगरी, और भूखा था। He said, उसने कहा, टू दी स्वालो अबाबील से, इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, दी पुअर राइटर हैज़ नो फायर, गरीब मुसन्निफ़ के पास आग नहीं है, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ बुक, वो एक किताब मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है, बट ही कैन नॉट राइट, लेकिन वो नहीं लिख सकता, बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड हंगर, ठंड और भूख की वजह से, प्लीज़ टेक दिस फायर आउट ऑफ माई वन आई, मेहरबानी करके मेरी एक आँख से नीलम निकाल दो, एंड थ्रो इट इन टू हिज हाउस, और उसके घर में फेंक आओ। द स्वालो डिड एज द हैप्पी प्रिंस हैड आस्क्ड हिम टू डू, अबाबील ने ऐसा ही किया जैसा खुशबा शहजादे ने उसे करने को कहा। द राइटर सोल्ड दिस फायर, मुसन्निफ ने नीलम को बेचा, एंड बॉट फूड टू ईट, और खाने के लिए खुराक, एंड फ्यूल टू बर्न, और चलाने के लिए ईंधन खरीदा। Thus he finished the book easily, इस तरह उसने आसानी से किताब मुकम्मल कर ली। The swallow spent the day in the city, अबाबील ने दिन शहर में गुजारा, and at night, और रात को, again came to sleep, दोबारा सोने के लिए आ गया, between the feet of the happy prince, खुशबाश शहजादे के पाँव के दरमियान। The happy prince told this fire, खुशबाश शहजादे ने अबाबील से कहा, to give this fire of his other eye to a poor girl, कि उसकी दूसरी आंख का नीलम एक गरीब लड़की को दे दे, हु वॉज क्राइंग, जो रो रही थी, इन द नियर बाय लेन, करीब ही गली में। दी हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड दिस वालो, खुशबाश शहजादे ने अबाबील से दरख्वास्त की, टू गिव आउटर लेयर्स गोल्ड, कि बाहर की तय वाला सोना दे दे, लिटल बाय लिटल, थोड़ा थोड़ा, टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को। दी स्वालो डिड एज दी हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू डू, अबाबील ने ऐसा ही किया जैसा खुशबाश शहजादे ने उसे करने को कहा। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। एट लास्ट, आखिरकार, द हैप्पी प्रिंस बिकेम डल एंड ग्रे, डल एंड ग्रे, बदनुमा और पुराना। आखिरकार खुशबाश शहजादा बदनुमा और पुराना बन गया। एंड द पुअर स्वालो, और बेचारा अबाबील, गॉट कोल्ड, उसे ठंड लग गई, एंड बिकेम वीक, और कमजोर हो गया। वन डे, एक दिन, द स्वालो फेल डेड, अबाबील मर गया, एट द हैप्पी प्रिंस फीट, खुशबाश शहजादे के कदमों में। एट दिस द लीड हार्ट, लीड हार्ट मीन शीशे का दिल, ऑफ द प्रिंस ब्रोक, ब्रोक मीन टूट गया। एट दिस द लीड हार्ट ऑफ द प्रिंस ब्रोक टू, इस पर शहजादे का शीशे का बना दिल भी टूट गया। The mayor of the city passed by, उस शहर का मेयर वहाँ से गुजर रहा था, and looked at the statue, और उसने मुजस्मे को देखा। He said, उसने कहा, once this statue was very beautiful, कभी यह मुजस्मा बहुत खूबसूरत हुआ करता था, now it has become very ugly, अब यह बहुत बदसूरत हो गया है। He ordered, उसने हुक्म दिया his men, अपने आदमियों को, to pull down the statue, के वो मुजस्मे को उखाड़ दें, and throw away, और फेंक दें, the dead body of the swallow, और अबाबील के मुर्दा जिस्म को फेंक दें। The workers pulled down the statue, उसके कारकुनान ने मुजस्मे को उखाड़ दिया। दे मेल्टेड, मेल्टेड मीन पिघलाया, दे मेल्टेड इट, उन्होंने इसे पिघलाया, बट द हार्ट ऑफ द प्रिंस डिड नॉट मेल्ट, लेकिन शहजादे का दिल ना पिघला। दे थ्रू इट, उन्होंने इसे फेंक दिया, वेयर द डेड स्वालो वॉज लाइंग, जहाँ पे मुर्दा अबाबील पड़ा था। अल्लाह वॉज मच प्लीज बाय द सिंपथी, सिंपथी मीन हमदर्दी, खुदा उसकी हमदर्दी से बहुत खुश हुआ, ऑफ द प्रिंस शहजादे की, एंड सर्विस ऑफ द स्वालो, और अबाबील की खिदमत से, खुदा शहजादे की हमदर्दी और अबाबील की खिदमत से बहुत खुश हुआ। ही सेड, उसने कहा, टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ते से, ब्रिंग मी द हार्ट ऑफ प्रिंस, मुझे शहजादे का दिल, एंड द डेड बॉडी ऑफ द स्वालो, और अबाबील का मुर्दा जिस्म ला कर दो। दे विल लिव इन हैवन, हैवन मीन जन्नत, दे विल लिव इन हैवन, वो जन्नत में रहेंगे। होमवर्क, ट्रांसलेशन लर्न प्लस वर्ड मीनिंग लर्न प्लस राइट। थैंक यू।